बीए द्वितीय वर्ष की छात्राओं का स्वागत है। बच्चों, समाजशास्त्री अन्वेषण की विषय वस्तु व्यक्ति, परिवार, समूह, संस्थाएं, संगठन, ये सब हैं। अनुसंधान समस्या का निर्माण कर लेने के पश्चात अनुसंधानकर्ता समस्या से संबंधित उपकल्पनाओं का निर्माण करता है और फिर सामग्री एकत्रित करने की उपयुक्त प्रविधि का निर्माण करके सामग्री एकत्रित करने का कार्य प्रारंभ करता है। सामग्री एकत्रित करने से पहले उसे यह निर्णय लेना होता है कि अध्ययन की इकाई क्या होगी और वह कितनी इकाइयों या सूचनादाताओं का अध्ययन करेगा। इस संदर्भ में उसके सामने दो विकल्प होते हैं। एक विकल्प तो यह होता है कि वह पूरी इकाइयों का अध्ययन कर ले और दूसरा विकल्प होता है कि उस इकाइयों में जो प्रतिनिधित्व करने वाला भाग है उनका अध्ययन करे। जिसमें समग्र इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, संपूर्ण इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, वह विधि कहलाती है जनगणना विधि, है ना, सेंसस मेथड कहलाती है वो। और जिसमें समग्र का प्रतिनिधित्व करने वाले एक भाग का अध्ययन किया जाता है वह विधि कहलाती है निदर्शन विधि। आपके अध्याय में बच्चों निदर्शन विधि है और निदर्शन के साथ साथ निदर्शन का एक प्रकार देव निदर्शन भी जो है उसका भी अध्ययन आपको करना है। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं निदर्शन क्या है। निदर्शन समग्र का एक छोटा भाग या अंश है जो समग्र का प्रतिनिधित्व करता है और जिसमें समग्र की मौलिक विशेषताएं पाई जाती हैं। दैनिक जीवन में हम निदर्श का प्रयोग करते हैं। जबकि हम चावल, गेहूं या अन्य कोई अन्य वस्तु खरीदने बाजार जाते हैं तो पहले इनका नमूना देखते हैं। नमूना ही प्रतिदर्श या निदर्श है। अतः निदर्शन वह पद्धति है जिसके द्वारा केवल समग्र के एक अंश का निरीक्षण करके संपूर्ण समग्र के बारे में जब हमें जानकारी मिल जाती है तो उसे हम कहते हैं निदर्शन, है ना। थोड़ा सा एक मुट्ठी गेहूं निकालकर हम पूरे बोरे के गेहूं के बारे में जान लेते हैं तो वो है निदर्शन। समग्र की एक इकाई का अध्ययन कर उसे पूरे समग्र का अध्ययन जान लेना निदर्शन कहलाता है। गुडे एम हार्ट कहते हैं एक निदर्शन, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, किसी विस्तृत समूह का एक अपेक्षाकृत लघु प्रतिनिधि है। यंग कहते हैं एक सांख्यिकीय निदर्शन उस संपूर्ण समूह का योग या अति लघु चित्र है जिसमें से कि निदर्शन लिया गया है, है ना। तो और यंग कहते हैं एक सांख्यिकीय निदर्शन संपूर्ण समूह का प्रतिनिधित्व भाग है। यह समूह जनसंख्या समग्र या पूर्ति स्रोत के नाम से जाना जाता है। इन परिभाषाओं के आधार पर हम स्पष्ट हो जाता है कि निदर्शन किसी विशाल समूह, समग्र या योग का एक अंश है जो कि समग्र का प्रतिनिधित्व करता है, है ना। पूरी कक्षा में क्लास मॉनिटर बनाई जाती है तो वो पूरी कक्षा का प्रतिनिधित्व करती है। उसी तरह सैंपल निदर्श भी पूरे समग्र का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है, और संपूर्ण समूह से जानकारी देता है। एक श्रेष्ठ निदर्शन की जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या होनी चाहिए, आइए हम उन्हें देखते हैं। जो श्रेष्ठ निदर्शन होता है तथ्यों के संकलन एवं निष्कर्ष निदर्शन पर आधारित होता है, अतः अच्छा निदर्शन होना अनुसंधान के लिए अनिवार्य है, है ना। पीवी अंग का कहना भी है कि सावधानी से चुना गया अपेक्षाकृत छोटा निदर्शन त्रुटिपूर्ण बड़े निदर्शनों से अधिक विश्वसनीय है। एक श्रेष्ठ निदर्शन में जो विशेषताएं होनी चाहिए उसमें एक विशेषता है समग्र का प्रतिनिधित्व। एक श्रेष्ठ निदर्शन उसे कहा जाता है जो कि समग्र का सही प्रतिनिधित्व करता है। यदि अध्ययन क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्नताओं और समानताओं को सामने रखकर उपयुक्त पद्धति द्वारा निदर्शन किया जाता है तो यह अधिक प्रतिनिधित्व वाला हो सकता है। दूसरा होता है पर्याप्त आकार। निदर्शन का आकार कितना होना चाहिए, यद्यपि इसके बारे में कोई विशेष नियम नहीं है, फिर भी समस्या एवं समग्र की प्रकृति के आधार पर इसका अनुपात निश्चित किया जाना चाहिए। यह न तो अत्यधिक कम होना चाहिए और न अत्यधिक ज़्यादा होना चाहिए। फिर समग्र की एक विशेषता निष्पक्षता भी है। एक श्रेष्ठ निदर्शन पक्षपात रहित होना अनिवार्य है ताकि यह संपूर्ण समग्र का सही प्रकार से प्रतिनिधित्व कर सके। अनुसंधानकर्ता को निदर्शन करते समय अपनी सुविधा, रुचि, स्वेच्छा पर ध्यान नहीं देना चाहिए बल्कि निष्पक्ष रूप से इकाइयों का चयन करना चाहिए। निदर्शन जो है वह तर्क पर आधारित भी होता है। निष्पक्ष एवं विश्वसनीय होने के साथ साथ
निदर्शन पर तर्क पर आधारित होना अनिवार्य है। वास्तव में तर्कहीन दृष्टि से किया गया निदर्शन न तो निष्पक्ष हो सकता है और न ही प्रतिनिधि पूर्ण हो सकता है। निदर्शन की अनेक पद्धतियां हैं तथा अनुसंधान समस्या के प्रकृति के आधार पर सबसे उपयुक्त पद्धति का चुनाव करना अनिवार्य होता है। निदर्श साधनों के अनुरूप भी होना चाहिए। एक श्रेष्ठ निदर्शन का साधनों के अनुरूप होना अनिवार्य है। निदर्शन का चयन साधनों का ध्यान रखकर किया जाना चाहिए ताकि यह प्रतिनिधि होने के साथ साथ सरलता से इसका अध्ययन भी किया जा सके और उद्देश्य के अनुकूल तो होना ही चाहिए बच्चों, क्योंकि एक श्रेष्ठ निदर्शन का अनुसंधान के उद्देश्य के अनुरूप होना बहुत अनिवार्य है। निदर्शन उसी जन समूह से किया जाना चाहिए जिसका कि हम अध्ययन कर रहे होते हैं। अब निदर्शन का चुनाव हम कैसे करें, है ना? अनुसंधान की समस्या का निरूपण या उपकल्पनाओं का निर्माण कर लेने के पश्चात जो है उपकल्पनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण चरों को चुन लेने के पश्चात अनुसंधानकर्ता के सामने निदर्शन की ही समस्या आती है। इसके लिए पहले यह निश्चित कर लेना अनिवार्य है कि उसे किस जनसमूह या समग्र का अध्ययन करना है और समग्र के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होना उसके लिए बहुत आवश्यक है। समग्र के निर्धारण के पश्चात उसे यह भी निर्णय लेना पड़ता है बच्चों कि अध्ययन की इकाई क्या होगी। इकाई एक गांव हो सकता है, नगर हो सकता है, पूरा समूह हो सकता है, परिवार हो सकता है, कोई समिति हो सकता है या फिर कोई व्यक्ति भी हो सकता है। इकाइयों का चुनाव स्पष्ट, निश्चित या विषय के अनुरूप किया जाना चाहिए। इकाइयां तय कर लेने के पश्चात स्रोत सूची का होना अनिवार्य है, जैसे कि मतदाता सूची, टेलीफोन डायरेक्ट्री, है ना, अध्यापक की सूचियाँ, जिसका भी हम अध्ययन कर रहे हैं उन इकाइयों की सूची होना हमारे पास आवश्यक होता है। इन सूचियों में से ही हम निदर्शन या सैंपल को चुनते हैं, ठीक है ना, और उसका आकार क्या होगा यह हम निदर्शन के आकार पर ही निश्चित करते हैं कि हमें कितनी प्रतिनिधि निदर्शन के लिए लेना अनिवार्य होगा। और इसके लिए हम कुछ पद्धतियाँ का चुनाव करते हैं। तो निदर्शन की जो पद्धतियाँ होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक होती है संभावित निदर्शन और दूसरी होती है असंभावित निदर्शन। संभावित निदर्शन का दूसरा नाम देव निदर्शन भी है, जिसमें समग्र की प्रत्येक इकाई चुने जाने की संभावना होती है, संयोग होता है, इसलिए इसे हम देव निदर्शन कहते हैं, है ना। देव निदर्शन में समग्र की इकाइयों को इस प्रकार क्रमबद्ध किया जाता है कि चुनाव की प्रक्रिया समग्र की प्रत्येक इकाई को चयन का समान अवसर प्रदान करती है। सरल शब्दों में कहूँ तो 1 से 10 तक हमने सारी अंक लिख लेते हैं और उनमें से किसी एक अंक को उठा लेना जो समस्त अंकों की विशेषता बताए। तो देव निदर्शन में कौन सी इकाई चुनी जाएगी यह तय नहीं होता है और हम कोई सी भी इकाई को चुन लेते हैं तो वह इकाई कहलाती है। देव निदर्शन के आधार पर हम उस समग्र का चुनाव करते हैं तो वह निदर्शन कहलाता है संभावित निदर्शन। देव निदर्शन को बच्चों हम इससे अगले वाले अध्याय में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। दूसरा जो निदर्शन चुनने की जो पद्धति है वो है असंभावित निदर्शन, है ना। असंभावित निदर्शन इसमें क्या होता है, इसका प्रयोग कई बार अनुसंधान में न कर असंभावित निदर्शन प्रणाली के लिए प्रयोग किया जाता है, है ना। इसमें बहुत सारी इकाइयां जो रहती हैं विवेक के आधार पर इकाइयों का चयन किया जाता है, जानबूझ करके इकाइयों का चयन किया जाता है, सोच समझकर इकाइयों का चयन किया जाता है तो वो निदर्शन कहलाता है असंभावित निदर्शन, जिसमें चुने जाने की कोई संभावना ही नहीं है, असंभावित निदर्शन, है ना। तो इसमें जो है वो वाला निदर्शन कहलाता है असंभावित निदर्शन। अब निदर्शन की क्या उपयोगिता है, क्या महत्व है? तो निदर्शन जो है, निदर्शन के प्रयोग द्वारा अनुसंधानकर्ता के समय की बचत होती है क्योंकि इसमें सीमित इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा जो है, इसमें धन की भी बचत होती है। सारी इकाइयों का अगर हम अध्ययन करेंगे तो हमें बहुत सारे समय की ज़रूरत होगी, बहुत सारे धन की ज़रूरत होगी, पर निदर्शन में चूंकि हम कुछ सैंपलों को चुनकर उस अध्ययन को पूरों पर लागू करते हैं इसलिए इसमें धन और समय की बचत होती है। इसमें समय व धन कम लगने के कारण जनगणना पद्धति की अपेक्षा श्रम शक्ति भी कम लगती है,
और इसके द्वारा विस्तृत और गहन अध्ययन संभव हो पाता है। सीमित इकाइयों के अध्ययन के कारण अनुसंधानकर्ता विस्तृत क्षेत्र में अध्ययन कर सकता है और साथ ही सूचनाओं के संकलन में गहनता ला सकता है। यदि निदर्शन समग्र प्रतिनिधित्व करता है तो इससे विश्वसनीय आंकड़े एकत्रित किए जा सकते हैं। हम बड़े बड़े समूह में हर एक व्यक्ति का अध्ययन नहीं कर सकते, इसलिए हम उस समूह से कुछ प्रतिनिधि चुनते हैं और उसे उसका अध्ययन हम पूरे समूह के लिए करते हैं। इसमें वैज्ञानिकता का समावेश होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है प्रतिनिधित्व या इकाई अध्ययन की इकाई बन सकता है, इसलिए इसमें वैज्ञानिकता का समावेश होता है और इसमें प्रशासनिक कठिनाइयाँ भी कम उठानी पड़ती हैं। तो निदर्शन प्रविधि वो प्रविधि होती है जिसके द्वारा हम जो है अपने अनुसंधान को या अपने सर्वेक्षण को जो है वैज्ञानिक विधि के द्वारा हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। समग्र का चुनाव जो है वैज्ञानिक विधि के द्वारा संभव हो पाता है। इतना होने के बाद भी निदर्शन में जो है कुछ दोष भी होते हैं, निदर्शन की कुछ सीमाएं भी होती हैं। कई बार निदर्शन के चयन में पक्षपात और भेदभाव की संभावना अधिक हो जाती है ना। यदि निदर्शन समग्र प्रतिनिधि नहीं है तो निष्कर्ष भी कम शुद्ध होते हैं। निदर्शन के चयन में विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है और उच्चतम परिशुद्धता वाले अध्ययनों में निदर्शन उपयोगी नहीं होते हैं और कुछ परिस्थितियों में तो निदर्शन को अपनाना प्रायः असंभव होता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि निदर्शन विधि जो है उसका उपयोग हम इकाइयां चुनने के लिए करते